सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पानीपत की गड्ढों वाली सड़क पर राहुल गांधी के साथ यात्री को चोट लगी, डॉक्टर बुलाए गए। नवजीवन और नेहरू कैंप की झुग्गियों के लोगों को मिला शिफ्ट करने का नोटिस, आपने बीजेपी को बनाया निशाना। कर्नाटक से इस्लामिक स्टेट के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने टीआरएफ पर लगाया प्रतिबंध, लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन को किया आतंकवादी घोषित। राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, मीटिंग के बाद बोले नेता, राज्यों में बदलाव की जरूरत। पश्चिम बंगाल में अब मिड डे मील में परोसा जाएगा चिकन और फल, विपक्ष ने पंचायत चुनाव से जोड़कर बोला ममता सरकार पर हमला। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट से सभी याचिकाओं पर भी होगी बहस। दिल्ली में आज 4 डिग्री पारा, कई राज्यों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों पर 7 जनवरी से फिर बर्फबारी। सीएम अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और रेपिस्ट को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले बस चले तो रेपिस्ट गैंगस्टर के बाल कटवा कर घुमाऊं। कांग्रेस नेता शब्बीर अली बीआरएस पर बड़ा हमला, बोले केसीआर और उनके सभी नेता झूठ बोलने में माहिर। कर्नाटक को सीएम मुंबई पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सिद्धारमैया की सफाई, बोले बयान का गलत मतलब निकाला गया। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के गुंबद से टकराया प्लेन, पायलट की मौत, ट्रेनी घायल, कोहरे की वजह से हुआ हादसा। अंजलि केस में छठवां आरोपी कार मालिक गिरफ्तार, एक फरार, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं, पुलिस बोली वे जानते थे बॉडी फंसी है। ओडिशा में 3 लोगों ने कार से किया महिला सब इंस्पेक्टर का पीछा, तलवार लहरा कर दी धमकी, अब चढ़े पुलिस के हत्थे। ओडिशा में रूसी नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने कहा जांच चल रही है, सभी मामलों की जोड़ने की जरूरत नहीं। मुंबई में योगी से अक्षय बोनी, जैकी श्रॉफ की मुलाकात, मुंबई में मिला 5 लाख करोड़ का निवेश, मुकेश अंबानी भी मिलने पहुंचे। कानपुर में 4 दिन में हार्ट बेन अटैक से 65 मौतें, यूपी में 9 शहरों का तापमान 5 डिग्री से कम, जालौन में सबसे ज्यादा सर्द। पुलिस कस्टडी में मौत मामले में परिजनों ने बदले बयान, रात में पुलिस पर आरोप, शाम को बेटे को ही बताया बीमार। पीसीबी ने पाठक केस में 177 लोगों से हुई पूछताछ, एसटीएफ को 67 दिन की जांच में मिले पर्याप्त सबूत, शासन की रिपोर्ट में खुलासा।
आगरा में युवक ने कार में मारी टक्कर, एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। इंदिरानगर में दो गुटों में पथराव, पूर्व प्रधान ने साथियों संघ की फायरिंग, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल भगौड़ा घोषित, तो थाना मिर्जा पुलिस ने कोर्ट अवमानना के दो मुकदमे दर्ज कराए। मथुरा में दो अलग अलग हादसे, बच्ची की मौत, कई लोग घायल, घने कोहरे में हादसा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गंगा प्रदूषण पर हाईकोर्ट की तलखट टिप्पणी, पूछा अधिकारी गंगा की सफाई पर नहीं पा रहे हैं या कर ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। आगरा में तोता विवाद पहुंचा कमिश्नरी, दूसरे पक्ष ने कहा समझौते का पालन नहीं हो रहा है, मुझे मिलना चाहिए तोता। दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौत की जांच पूरी, निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आई, 20 सितंबर को गिरी थी दीवार। चंदौली में इंस्पेक्टर का घूस लेते वीडियो वायरल, एसपी ने किया लंबित, विवादित जमीन पर दीवार बनाने के लिए लिया था रकम। आगरा के 50,000 लोगों की 3 दिन जलापूर्ति ठप, पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम चलेगा, 9 से 11 जनवरी तक रहेगा शटडाउन। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, कंटेनर लूट के मामले में फरार था बदमाश। संगम नगरी में जम्बू जैसी ठंड, 18 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर, प्रयागराज में भी इतनी ठंड, शुक्रवार सुबह छाया रहा कोहरा। बलिया में सड़क सुरक्षा माह के अवसर संगोष्ठी का आयोजन, बलिया डिपो बस स्टैंड परिसर में हुआ आयोजन। एसपी ने टोलीवार पुलिस लाइन में करवाई परेड, साफ सुथरी वर्दी पहनने के दिए निर्देश, बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की। कार की टक्कर से 4 फीट दूर गिरी बच्ची, मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही थी लड़की, बाल बाल बची, मामूली चोटें आईं। कानपुर में निगम पर 25 लाख का जुर्माना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी नदी में नालों की गंदगी जाने पर हुई कार्यवाही। बागपत में मंदिर की दीवार पर घूमता दिखा तेंदुआ, डोलचा गांव का मामला, जांच में जुटी वन विभाग की टीम, लोगों में भय का माहौल। दहेज हत्या में पति को उम्र कैद की सजा, 5 साल पहले पत्नी को गला घोट कर मारा था, गले के निशान बने सबूत। युवाओं सर्दी से बचाव के लिए बांटे कंबल, औरैया में रात में निकलकर जरूरतमंद तलाशे। कन्नौज में सरकारी शिक्षक ने छात्रा को लिखा लव लेटर, कहा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पढ़कर फाड़ देना, किसी को दिखाना मत। फर्रुखाबाद में बसपा नेता व 3 भाइयों पर मुकदमा, जमीन कब्जाने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बहराइच में लुटेरे गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 3 फरार, 5 दिन पहले व्यापारी के घर घुसकर 6,000 नकदी लूटी।
बुलंदशहर में ट्रैक्टर पर सवार चालक को अचानक पड़ा दिल का दौरा, हार्ट अटैक से किसान की हुई मौत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए मौलाना आमिर रशादी, आरयूसी अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी यात्रा में शामिल। इरफान सोलंकी के चाचा को कुर्की की नोटिस, पूर्व विधायक अरुण तोमर के गेस्ट हाउस पर बकाया वसूलने के लिए भी दी गई नोटिस। कासगंज में ट्रेन के विद्युत लाइन की चपेट में आने से वेंडर की हुई मौत, घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। डिप्टी सीएम ऋजेश पाठक की बड़ी पहल, अस्पतालों में मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, सीमाओं पर अस्पताल बनाने का फैसला। उत्तराखंड के जोशीमठ में 15 और परिवार शिफ्ट विशेषज्ञों ने शुरू किया निरीक्षण, घर घर हो रहा सर्वेक्षण। उत्तराखंड पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड, उधम सिंह नगर और कुमाऊं में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत की दो टूक, कहा बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है प्रदेश सरकार। उत्तराखंड में सप्ताह भर में कोरोना से एक और मौत, 5 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। कोटद्वार में पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला, डोली में अटकी सांसें, एम्बुलेंस ने भी दिया दगा। उत्तराखंड में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए केंद्रीय टीम पहुंची, शीश मम्बाड़ा प्लांट बुरे हाल देख हुई नाराज। उत्तराखंड में सर्दी के मौसम में भी धधके, बनीवन पंचायत के जंगल तेजी से फैल आग, लाखों का नुकसान हुआ। उत्तराखंड वंचियों को ठंड से बचाने का विशेष प्रबंध दिया जा रहा है, अजवाइन हिंग का पानी, कंबल में छिपे सांप। वंतरा प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता ने जवाब देने को कोर्ट से मांगा समय, नार्को पर अब 10 जनवरी को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा में खनन का मामला, हाईकोर्ट ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मांगा जवाब। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती की तरह कुलपतियों की नियुक्ति पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल, राजभवन पहुंचे शिकायत। देहरादून में एलटी भर्तियों में दिव्यांगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक, फैसले के बाद आयोग अलग से जारी करेगा शेड्यूल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एलपीजी सिलेंडर लीकेज के बाद हुआ जोरदार धमाका, घर की दीवारें गिरी, 4 घायल, 2 झुलसे। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक गिरा पारा, ठंड से कांपे लोग, अगले 48 घंटे बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में एबीवीपी के अधिवेशन में बोली सीएम धामी, भर्तियों में धांधली के बारे में अब सोचना भी कठिन होगा। अमेरिका में फ्लोरिडा में म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान फायरिंग, कम से कम 10 लोग घायल हो गए।
यूक्रेन का दावा, रूस का सीजफायर सोची समझी चाल, जेलेंस्की के करीबी ने कहा यह सिर्फ प्रोपोगंडा और दोगलापन है। टीटीपी को लेकर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान, कहा आतंकवादियों की धमकियों से नहीं डरता। अफगानिस्तान में पाक फौज के एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया, 4 आम नागरिक मारे गए। अमेरिकी हाउस नहीं चुन पा रहा नया स्पीकर, 11 बार हो चुका मतदान, 164 वर्षों में पहली बार ऐसी स्थिति। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 11 आतंकवादियों को ढेर किया, वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान कमांडर हफीजुल्ला तोरे भी मारा गया। अमेरिकी जेलों में 20,000 भारतीय कैदी अवैध रूप से बंद, इनसे जबरन करवाई जाती है मजदूरी, मना किया तो अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पुतिन ने किया सीज फायर का ऐलान, 6 और 7 जनवरी को रूसी सेना यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी, क्रिश्चियन धर्मगुरु की अपील पर फैसला। इराक में लड़की से बदसलूकी, बाइक रेस में मर्दों ने घेरा, लात मारी, बोले उसके कपड़े हमारा ध्यान भटका रहे थे। प्रिंस हैरी पर बड़े भाई विलियम ने किया था हमला, कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक दिया था, हैरी ने अपनी किताब में किया खुलासा। ट्विटर से 20 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी, इजराइल एक्सपर्ट ने करोड़ों यूजर्स के ईमेल एड्रेस चोरी करने का दावा किया। ट्वेंटी में देश में रिकॉर्ड गाड़ियां बिके, बीते साल 34.31 लाख कारें और 1.53 लाख टू व्हीलर्स बिके। हजार कर्मचारियों की छठी मंदी की आशंका के कारण फैसला, प्रभावित एम्प्लॉयज को जी स्मार्टफोन सीरीज रेडमी नोट प्लस से मिलेगा 200 एमपी कैमरा, जाने कीमत और फीचर्स। मिले सत्या नडेल, डिजिटलाइजेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने शेयर की तस्वीर। हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी कर्मियों पर होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने केरल सरकार को दिए निर्देश। बंधुओं के खिलाफ 140 करोड़ के बैंक लोन धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज, सीबीआई ने की कार्रवाई। कर्नाटक में ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग में 5% सेवा शुल्क सीमा पर रोक, हाईकोर्ट का फैसला। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, बोले वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपना रहे हैं कड़ा मौद्रिक रुख। नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, देश में 50% जॉब देने वाला सर्विस सेक्टर 6 महीने के उच्चतम स्तर पर। सिडनी स्टेडियम में लगी बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा, और डबल सेंचुरी बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर है, 2 वर्ल्ड कप जीते। नो बॉल के हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बने अर्शदीप सिंह, पुणे की टी20 में कदमों पर नहीं कर पाए काबू।
पाकिस्तान का वर्ल्ड कप पर फोकस, वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किए गए 3 अनकैप्ड खिलाड़ी। टीम इंडिया के गेंदबाज पर भड़के कप्तान हार्दिक पांड्या, बोली नो बॉल किसी भी फॉर्मेट में क्राइम। पूरे T20 जीतने के बाद बोले दसों की शनाखा, भारतीय सरजमी पर लक्ष्य का बचाव करना बड़ी बात। श्रीलंका ने 16 रन से जीता दूसरा T20, काम न आए अक्षर और सूर्या की हाफ सेंचुरी, सीरीज 1-1 से बराबर। मुख्यमंत्री से मिले पूर्व क्रिकेटर कप्तान अजहरुद्दीन, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के बुनियादी ढांचा विकास पर बातचीत, तो मुख्यमंत्री ने साझा की पुरानी यादें। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़, ओडिशा के सीएम पटनायक का ऐलान। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 475 पर 4 विकेट, स्टीव स्मिथ ने डोनाल्ड ब्रेडमैन को पीछे छोड़ा, ओपनर ख्वाजा दोहरे शतक से 5 रन दूर। अफ्रीका T20 लीग के मालिकों के BCCI के बीच टकराव, दक्षिण अफ्रीकी लीग के लोगो हूबहू IPL टीम जैसे। अनुपम खेर ने शेयर किया ट्रेन में सफर करने का एक्सपीरियंस, बोले मैंने लखनऊ से तुंडला ट्रेवल किया, बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे उर्वशि रौतेला, शेयर के हॉस्पिटल की फोटो, यूजर्स बोले उर्वशि को इलाज की जरूरत है। पठान के प्रमोशन के दौरान हुआ हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर में की तोड़फोड़, बोले नहीं रिलीज होने देंगे फिल्म। RR ने बनाया एक और रिकॉर्ड, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर में हुई स्क्रीनिंग, 98 सेकंड में बिक गए 932 टिकट। सोनू सूद ने ट्रेन के गेट पर लटक कर सफर किया, रेलवे ने कहा आप लाखों लोगों के आदर्श एक्टर ने मांगी माफी। शाहरुख के बेटे आर्यन कर रहे नोरा को डेट, सामने आ रही दोनों की एक ही जगह की फोटोज, फैंस लगा रहे डेटिंग के कयास। मलाइका अरोड़ा ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, गुरु रंधावा ने शहनाज गिल के साथ बेहद खूबसूरत फोटोशूट करवाया। करीना करिश्मा ने पेपरोजी के सामने बच्चे को किया इग्नोर, वीडियो देख भड़के यूजर्स, बोले बच्चे का दिल तोड़ दिया। सामंता रुथ प्रभु ने शुरू की फिल्म शाकुंतलम की डबिंग, शेयर किया पोस्ट, बोली मेरी पागलपन और दुख का नुकसान इलाज कला है। विवादों में 1968 की हॉलीवुड फिल्म रोमियो जूलियट, चाइल्ड एक्ट्रेस ने 54 साल बाद मेकर्स पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।